आज इतनी देर कर दी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत को क्या हुआ, सब ठीक है? क्या खाक ठीक है? कई दिनों से देख रही हूँ, बस टेंशन में ही घूम रहे हो आप। मुझे अपनी माता रानी पे पक्का यकीन है, कुछ भी अमंगल नहीं होने देगी, देखना। ये रावण ही पूरी मुसीबत की जड़ है, कीड़े पड़ेंगे उसे। तुम्हें कितनी बार कहा है, उसकी सरनेम रावत है, रावत, रावण नहीं। और अगर हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो भला बुरा नहीं कहते। पता है मुझे, मुझे ही नहीं पूरी ऑफिस को पता है कि उसने सबको दुखी कर रखा है। दुखी सब अपने अपने हालात से हैं, किसी की वजह से नहीं। और मैं दुखी नहीं, चिंतित हूं। चिंता है मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी की, और बकाया लोन भी चुकते करने हैं। ये दो बेटियां कम नहीं थी कि तुम्हें एक तीसरा बेटा भी चाहिए था, उसके खर्चे भी कम नहीं है, पता है ना तुम्हें? पापा, आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ। क्यों? मैंने बोला था ना, मुझे साइकिल ले दो, इसलिए। लो, अब साइकिल भी तुम ही लाके दो इसे, जाओ। डरते क्यों हो? ऑफिस में सबसे पुराने हो तुम, और ईमानदार भी। तुम्हें तो वो निकालने की सोच भी नहीं सकते। मम्मी, मैं नीचे जा रहा हूँ। अरे जीवन भाई, कैसे हो? दिखते नहीं आजकल। आजकल ऑफिस चल रहा है। अरे क्या ऑफिस ऑफिस लगा के रखा है, उम्र तो देखो अपनी, कितना दौड़ा भागी कर रहे हो। ये नौकरी में ऐसा ही होता है। तो क्या करें? अरे कुछ इन्वेस्टमेंट डालकर शोरूम खोल के बैठ जाओ। इन्वेस्टमेंट? अरे इसमें हंसने की क्या बात है, इतने साल की नौकरी है, कुछ तो सेविंग की होगी ना, लगाइए काम पर, बिजनेस में, यही तो सही वक्त है। अरे मुझे देखिए, मैं भी आप एक तरह नौकरी करता था, लेकिन दो साल हुए। साइकिल अच्छी है, नया घर भी खरीद लिया है ना, प्लीज। और अगले महीने पार्टी है, लेके आना, बिजनेस के बारे में सोचिएगा जी। प्लीज यार, एक बार चलाने के लिए देना। नहीं, मेरी साइकिल की हवा भी बहुत कम है, एक बार प्लीज यार। अरे जीवन काका, मुझे सब पता है, घर में बिरसा डांट पड़ी होगी आपको, है ना? और किस बात पे? वही आपके घर का इमोशनल ड्रामा। वैसे भी उस रावण की वजह से जिंदगी झंड हो रखी है। अरे हाँ, मुझे पता है आपको रावण शब्द पसंद नहीं है, छोड़ो, अब कैल्शियम खाओ सुबह सुबह। नहीं, अरे लो ना। अच्छा, खा लेता हूँ। मजे करो। गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग। आज किसी की गुड मॉर्निंग नहीं है, सबकी लगी पड़ी है।
क्या हुआ आप दोनों को? आज इतना टेंशन में लग रहे हो? ऑफिस में सब टेंशन में। क्या बात है जयेश भाई? हाँ, सब टेंशन में तो होंगे ही। बॉस किसी को निकालने जो वाले हैं। अब किसको निकालेंगे ये नहीं पता। यार किसको निकालेंगे? हमें कैसे पता? हमको तो नहीं निकालेंगे ना। तनिया ये जरा फाइल चेक करना। फाइन। देखो जरा तुम्हारे लैपटॉप में है कि नहीं। हाँ यहाँ चेक कर। क्या? हाँ ये यहाँ। ये डेट्स राइट। ओके। हाय कैसे हो? वो जो मैंने जो फाइल दी थी ना, वो ये फाइल जो मुझे चेक करनी है वो मुझे दो ना। आई हैव दिस वन। या दिस वन। थैंक यू। आ गया तू? आज तो आ गया हूँ, कल का पता नहीं। गुड मॉर्निंग काका, कैसे हो? अभी कल 9 बजे ही तो यहाँ से गया हूँ, 12-13 घंटे में क्या हो जाएगा छोटे? जानते हैं काका, फिर भी पूछना तो हमारा फर्ज है ना। और वैसे भी आज तो निर्णायक दिन है ना। अब तुम भी डरा लो। मेरा प्रोजेक्ट प्लानिंग सही था, मेरा शेड्यूल भी करेक्ट था, उसे अपने हिसाब से चेंज करा के उसने सारा काम खराब कर दिया। Come on, Tanya. Yes, I know that, Tanya. I know that. लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा होगा ना? और ऊपर से तुम्हें इतनी बकवास सुननी पड़ी, वो अलग से। Right. लेकिन देखना, अगर लिस्ट में मेरा नाम आया ना, तो मैं उस रावण को पूरी तरीके से एक्सपोज करके जाऊंगी। Yes, Tanya. You should. मुझे सब पता है मिया। आप भी you should करके अपनी नया पार लगाना चाहते हो? मैडम आप इनकी बातों में मत आना, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपको कोई नहीं निकालेगा, ठीक है? डोंट वरी। आ गए आप बीच में? सीरियसली, हम में से कोई और गया और ये रह गया तो सारी ऑफिस में रावण कौरिस को दोनों को पीटने वाले हैं। फिकर डॉट मिया, इतनी आसानी से निकाल के फेंक दे हम वो चीज नहीं। अरे आदमी है आदमी, कमीज नहीं। क्या बात है छोटे, आज ऑफिस में सब लोग एक दूसरे पे मुंह भी काट रहे हैं? माहौल गर्म है भैया, आप भी अपनी कॉफी पियो और बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो दूसरे की काटने में खुद की ही कट जाए। तुम्हारे चक्कर में मुझे हर रोज लेट हो जाता है। तो आ जाना था बस में, किसने मना किया था? मेरी स्कूटी लेके क्यों नहीं आने देते? लाख बार मना किया है ना स्कूटी लेके नहीं आना है, पेट्रोल का दाम सुना है? और वैसे भी हम दोनों की ऑफिस एक ही रास्ते में पड़ती है, तो फिर साथ में आने में क्या प्रॉब्लम है? तो जल्दी निकल जाया करो ना घर से, मुझे लेट हो रहा है। मेरी जॉब के टाइम में अभी भी आधा घंटा बाकी है, क्या करूँ इतनी जल्दी जाके वहाँ? तुम अपनी रामायण करना वहाँ जाके, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। तुम पहले अपनी जॉब संभालो, मैं कल से स्कूटी लेके ही आऊंगी। जॉब का तो ठिकाना नहीं और स्कूटी लेके आने की बात करती है। क्या हुआ सर, लिस्ट आ गई क्या? नहीं, लेकिन तुम आज इतनी क्यों लेट हो गई? सर आप जानते हो ना, एक वर्किंग वुमन और एक हाउसवाइफ दोनों का रोल प्ले करने में तो हम औरतों का तेल ही निकल जाता है। क्या हुआ, आज फिर तुम्हारे पति के साथ झगड़ा हो गया क्या सुबह सुबह? अरे सर वो तो रोज का ही है, पर अभी सर मैं टेंशन में रहने लगी हूँ ना, तो उसके हिसाब से थोड़ी नॉक जॉक तो हो ही जाती है। तुम्हें किस बात की टेंशन, तुम्हारे पति की तो अच्छी और सरकारी नौकरी है। सर आप जानते ही हो ना, आपको तो पता ही है ना कि उनकी सैलरी बेटे के इलाज में चली जाती है, और आपको पता है ना हर महीने कितना खर्चा जाता है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां है। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, अगर ये लिस्ट में मेरा नाम आ गया है ना, तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। प्लीज सर प्लीज, इस लिस्ट में मेरा नाम मर आने देना। देखते हैं क्या होता है। काका बड़े लकी हो आप, एक ट्रेन छूटी नहीं कि दूसरी गाड़ी विसल मार के आने को है।
कैसे? मेरा दोस्त है भोपाल वाला, अभी अभी बात हुई है, वैकेंसी है सीनियर अकाउंटेंट की। हाँ थोड़ा ट्रैवलिंग ज्यादा होगा, थोड़ी सैलरी कम होगी, लेकिन इमीडिएटली ज्वाइनिंग होगी काका, आप बोलो तो बात कर लूँ। अरे अभी लिस्ट तो आने दो, सर की जॉब को तो कहाँ प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी निकालेंगे। मैडम मुझे सब पता है किसको निकालेंगे और किसको रखेंगे, ठीक है काका आप बोलो ना, रिप्लाई करूँ कि फिर रावण के अत्याचार का, वेट मतलब रावत के उद्घोषणा पत्र का इंतजार करना है। आज झुंड में शिकार करने के मूड में है रावण। सर आपने बुलाया? यस, सबको कॉन्फ्रेंस में बुलाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जी सर। बॉस ने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है अर्जेंटली। Yes, everyone, let's have a quick talk. First of all, a very good morning to all. Good morning, sir. I hope you all are doing well today. I know कि आज वो दिन है जिसका हम ना चाहते हुए भी पिछले एक महीने से इंतजार कर रहे थे। Am I right? All I mean के दिल्ली मैनेजमेंट ने सारे रीजनल ऑफिस को पिछले एक महीने से इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि अपनी ओवरऑल कॉस्ट कम करें, बिकॉज रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई जा चुके हैं और कंपनी का मानना है कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई नहीं कर सकते, सो खर्चे कम करने होंगे। हमने अपने ओवरहेड कॉस्ट कम करने के लिए डेली प्लान्स भेजे थे, बट दे वांटेड समथिंग मोर ऑन दिस एंड दैट्स व्हाई कंपनी चाहती है कि कुछ लोगों को बाहर निकाल, इसलिए अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले लीजिए, स्पेशली वो लोग जो लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। बट सर हमने तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, वी वर्क हार्ड फॉर दिस कंपनी। यस बट दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, ये आपकी सोच है, मैनेजमेंट इज प्योर प्रोफेशनल। After all, company is all about business and profits. Actually, I have to go to Delhi immediately. मुझे बुलाया गया है. Let's see, क्या होता है. But from my side, I wish you all a very good future ahead. Thank you so much. वो रावण साला टेररिस्ट, साला सामाजिक आतंकवादी, अगर वो चाहता ना तो मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकता था, पर नहीं किया दुष्ट ने। Come on, Tanya. Why you are getting so upset? अरे यार लिस्ट अभी तक आई तो नहीं है ना? हाँ, I know. वो मुझे ही बोल रहा क्योंकि मैंने उसको कभी भाव नहीं दिया ना। तो दे देती ना भाव। You shut up, please. तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो कितनी अपसेट है। यार मुझे सब पता है छोटे, लेटर आ गया, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है, देखते हैं लिस्ट में किसका नाम है और किसको रावण ने तबाह किया है। इधर उधर की बातें छोड़ो, लेटर पढ़ो।
आपको ये सूचित किया जाता है, जैसा कि हम सबको पहले से ही बताया गया था कि हम लोग कुछ लोगों को रिलीज कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके ऑफिस में नहीं लेकिन जोन के हर ऑफिस में किया जा रहा है। आपकी ऑफिस से कम टोटल सालाना सैलरी वैल्यू से 40% कम करने का टारगेट दिया गया है, और हमारे अहमदाबाद ब्रांच का अमाउंट 25.5 लाख। अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस के मैनेजर मिस्टर रावत की सैलरी ही ये रिडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए पर्याप्त है, इसीलिए मिस्टर जितेंद्र रावत ने अपनी इच्छा से कंपनी के हालात समझते हुए और आप सबकी नौकरी बचाने के लिए खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग मिस्टर जितेंद्र रावत की हिम्मत और अच्छेपन को ध्यान में रखते हुए उनको धन्यवाद देंगे। विनोद गोयल, दिल्ली ऑफिस, फिट जॉय।